always knew it was difficult, but it was this difficult. I didn't think it through. नमस्ते, मैं हूं यति गौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। मैं वापस आया हूं आपके 5 मिनट ले लें, पर जिससे पहले मैं स्टार्ट करूं, हम दोनों को पता है कि आपको वो लाल सब्सक्राइब बटन दबाना है, तो प्लीज प्लीज वो बटन दबा दो यार। एक महासंगम देखने के बाद, टू नो हाउ गंगा वॉज फॉर्म, टू नो द मैजिकल स्टोरी, और एक्चुअली में उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना देवप्रयाग पे, ओके, वॉज अ मैजिकल मैजिकल थिंग। बट आई स्टिल हैड टू मूव ऑन, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि मुझे देवप्रयाग रुक जाना चाहिए था। आई स्टिल फील लाइक इट। उस टाइम पे मैं इतना एक्साइटेड, इतना एंथुजियाज्म से भरा हुआ था अपनी वॉक को लेके, कि मैंने जब फर्स्ट दिन 50 किलोमीटर कवर किए, तो मुझे लगा कि यार सेकेंड डे भी 50 किलोमीटर ही कवर करने हैं, एंड दैट इज समवॉट इन ऑफ एन एवरेज दैट आई हैव टू गो थ्रू। एंड मुझे ये नहीं पता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा। आई थॉट सो, ऑफ कोर्स। देवप्रयाग से निकलने के बाद मेरे दिमाग में था कि अगला जो डेस्टिनेशन है, दैट इज गोइंग टू बी श्रीनगर। एंड यस, व्हेन आई टॉक अबाउट श्रीनगर, इज नॉट द श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नॉट द कैपिटल। द श्रीनगर इज एक्चुअली अ वेरी बिग सिटी इन उत्तराखंड एज वेल। मुझे लगा कि अगर मैं पहले दिन 50 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो मैं दूसरे दिन भी 50 किलोमीटर चल पाऊंगा। बट आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक that anyone can make while they're walking. And of course, it did not happen. I did not walk 50 kilometers that day. And मुझे realize हुआ कि आपको एक kilometers mark करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी एक journey पे, especially ऐसी एक journey जो बहुत ही spiritual है, एक ऐसी journey which stands for a lot of things than just beauty of nature and stories that rotate around. And specifically me in my personal life. प्रयाग से चलने के बाद जब मैंने लोगों से पूछा how to reach श्रीनगर, a lot of them denied for me to actually go to श्रीनगर that day, because देवप्रयाग के बाद और श्रीनगर से पहले जो भी उत्तराखंड का पार्ट पड़ता है, वो जो घाटियां पड़ती हैं, वैलीज पड़ती हैं, it is a very very wildlife prone place. And तेंदुए, भालू, these are something that could be normally found in night, and there have been incidents जहाँ पे मुझे बताया गया था कि leopards have attacked people, especially bike riders when they were riding bike at night. And मैं तो walk कर रहा था, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा difficult था, तो मेरे अंदर somehow एक डर पैदा हो गया था already कि मुझे जल्दी से जल्दी clear करना है। तो मेरे को था कि लेट्स वॉक इट आउट, लेट्स वॉक एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट थिंकिंग कि मेरी बॉडी पे एक्चुअली कितना टोल पड़ रहा है। एंड सो आई स्टार्टेड मूविंग ऑन। एंड देवप्रयाग से जस्ट जाने के बाद, उस टाइम पे देवप्रयाग से लेके अगला जो लक्ष्मोल या फिर बागवान जहाँ पे मैं पहुंचने वाला था, वहां तक रोड कंस्ट्रक्शन जो था, इट वॉज एक्सट्रीमली बैड, बिकॉज उस टाइम पे उत्तराखंड गवर्नमेंट काफी सारी रोड बना रही थी, जैसा आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा। बट द बेस्ट पार्ट वॉज आई आस्क्ड द लोकल हाउ टू एक्चुअली टेक शॉर्टकट्स, कोई ऐसा रास्ता है जो मैं पैदल जल्दी पार कर सकता हूँ। तो मुझे एक लोकल ने बताया, येस देर आर फ्यू स्मॉल वेज, एंड एक स्टेयर केस है, स्पेशली देवप्रयाग से जाती है, तो आप करीब रोड के करीब 1.5 या 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर जो है आप काट सकते हो। एंड यही छोटे डिस्टेंस जो है मुझे हेल्प करते हैं श्रीनगर पहुंचने के लिए, वो डिस्टेंस पहुंचने के लिए जहां पे मैं पहुंचना चाहता था। बट एट दैट टाइम अगेन माय माइंड वाज सो नाइव दैट आई डिड नॉट नो दैट मूविंग विद अ रक्सैक, एक 12 किलो के रक्सैक के साथ, 12 से 13 किलो के रक्सैक के साथ, स्लीपिंग बैग है, कैंप है उसमें, और बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ, स्टेयर केस पे जाना, स्पेशली जब आप ऑलरेडी इतने थके हुए हो, इट टेक्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ टोल ऑन योर बॉडी। तो मैं स्टेयर केस से चला तो गया एंड आई कंप्लीटेड इट, बट उसके बाद एवरी फ्यू किलोमीटर्स मेरी एनर्जी जो है ड्रास्टिकली डाउन होने लगी। एंड मुझे बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ मुझे पहुंचना ही था समहाउ श्रीनगर, या फिर एक ऐसी सेफ जगह जहां पे मैं रुक सकूं। एंड माउंटेन्स का एक्चुअली है, सनराइज बहुत जल्दी होता है हिमालय पे नहीं, और एनी काइंड ऑफ माउंटेन्स विच आर देयर। आई थिंक सिंस सनराइज इज सो अर्ली, सनसेट
is also supposed to be early. And that is a teaching I carry on with me. ये मैं आपको बताऊंगा कल आपके 5 मिनट लेके. So please don't forget. This is your boy, the unfolding play. Namaste. मिलते रहेंगे तो please guys subscribe का button दबा देना यार. Please और share कर दो लोगों के साथ.